बेटियों को काट कर फेंक दिया जाता है, कई बेटियों को रेप करके उनको दिन दहाड़े उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन सभी बेटियों के दर्द के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये जो वर्तमान सरकार है उन्हें बताने के लिए कि ये जो सरकार है जो बेटियों बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ की जो बात करती हैं, कोई इनसे ये पूछे कि बेटियां तो हम पढ़ा लेंगे लेकिन बचाने का कौन काम करेगा, बचाने की जिम्मेदारी तो इन्हें लेनी चाहिए। तो यही सरकार को, ये सरकार जो अपना जो लोगों को बताती रहती है और गाँव में इतना ध्यान देती है, गाय कट जाती है तो उस पर इतना ध्यान देगी जैसे सारा जग लुट गया, लेकिन किसी बेटी की अस्मिता लुट जाती है तो उस पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि समय ही नहीं है उनके पास राजनीति करने के अलावा। पता नहीं ये राजनीति किस चीज़ के लिए करते हैं, इंसानियत का नाम लेते हैं राजनीति करने के लिए, इंसानों को कहते हैं इंसानों के लिए निकल रहे हैं, हम तो जनता की सेवा के लिए निकल रहे हैं। जब जनता की सेवा का जब समय आता है तो वो दूर दूर तक जनता से मतलब कोसों दूर हो जाते हैं, उनसे उनके दुख दर्दों को भी पूछना नहीं चाहते। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बेटी संजली जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी उसका क्या गुना था, उसका क्या गुना था, क्या वो पढ़ने गई थी, उसका ये गुना था साथियों जब बेटियां घर में आती है तो सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, पर लेकिन जो जब इन बेटियां जो हम बड़ा करके उनको स्कूल भेजते हैं और स्कूल आते समय या ये कह लो कहीं से भी अपने काम जॉब करके लौटती है तो बड़ी चिंता में रहता है, हर माता पिता चिंता में रहते हैं, पता नहीं हमारी बेटी शाम को सही सलामत आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। ये भय कौन पैदा करता है, ये भय हमारे अंदर क्यों पैदा होता है? क्या इन सरकारों को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि इन माता पिताओं की चिंता को दूर नहीं करना चाहिए? क्या हर माता पिता अपनी ताल ठोकर क्यों नहीं बोल सकता बेटियों को तुम लोग मौत के घाट उतार दोगे तो ये देश कहाँ से सुरक्षित रहेगा? देश को कहते हो देश हमारा डिजिटल इंडिया बनेगा, क्या ऐसे डिजिटल इंडिया बनेगा? अपनी बच्चियों को तुम जिंदा जलवा देते हो, उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, इस तरीके से डिजिटल इंडिया बनाएंगे आप? कौन से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? कहाँ से आप सभी लोग जानते हैं जो यूपी पुलिस का जो रवैया रहता है, वो दिन मुझे अभी भी याद है जब हम बेटी को यहाँ से 12:30 बजे करीब सफदरजंग से ले गए थे उनका पोस्टमार्टम करा के, और जब हम गांव पहुँचे तो गांव पूरा छावनी बना हुआ था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन का जाते के साथ ही एक ही उनका उद्देश्य था कि जैसे ही बॉडी आए तुरंत उसका दाह संस्कार करा दिया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने बॉडी को ज़्यादा देर अगर यहाँ पर रोके रखा तो भगवान कुछ भी मच सकता है, क्योंकि वहाँ पर आसपास के सारे गांव के लोग वहाँ पर एकत्र थे, शासन प्रशासन कम से कम हजारों की संख्या में तादाद में था वहाँ पर तैनात, और सभी कुछ पार्टियों के लोग भी थे, कुछ संगठनों के भी लोग थे, पर लेकिन उन्होंने कहा कि ये बवाल ज़्यादा ना हो जाए कि तुरंत ही इनका दाह संस्कार कर दिया जैसे कि दफा दफा हो जाए। यूपी सरकार और यूपी का प्रशासन इतना घटिया प्रशासन है, वो इंसानियत को तो वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके चलते हैं। जब हमने वहाँ पर जाकर के बोला कि भाई हमारी बेटी तो चली गई वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमने जब हमने न्याय की मांग रखी तब उन्होंने जो वहाँ के जो दबंग लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो दिल्ली से 4-5 गुंडे आए हैं या आकर के यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए भाई अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना क्या राजनीति है? क्या बेटी के पीड़ित परिवार के लिए अगर कोई न्याय मांगे तो क्या राजनीति है? मतलब हम अपना दुख भी नहीं बता सकते, ये हालात उन्होंने पैदा कर दिया हमारे सामने, तो हमारे ऊपर लट बरसाए गए, और मैं लट बरसा करके कम से कम 100 पुलिस वाले उन्होंने हमारे पीछे लगा दिए और गांव के बाहर खदेड़ कर हमें अलग कर दिया। ये उनकी वो सिस्टम है, ये यूपी पुलिस का ऐसी जातियाँ बरती थी लोगों के ऊपर, जो कोई व्यक्ति न्याय की बात मांग करता है उसको यूँ ही दबाने का काम करती है, मारो और उनको अपराधी घोषित कर दो, गुंडे घोषित कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो, ये काम करती आई है शुरू से ये यूपी सरकार। जो बीजेपी सरकार है, ये जो आरएसएस की जो माइंड जो घूमते हैं ना वो इसी तरीके, इंसान को इंसान ही नहीं समझते वो लोग। जहाँ तक मैं जानती हूँ यूपी के जब से संजली का जो
वारदात हुई है 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक कम से कम 10 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया, पर लेकिन उन 10 बेटियों के लिए किसी भी संसद में किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए संसद में बैठे हुए सभी मंत्रियों संतरियों के लिए। पता नहीं ये किस चीज़ की राजनीति करते हैं, समझ नहीं आता इन लोगों का। वोट हमसे मांगते हैं लेकिन सुरक्षा की बात हमारी जब आती है तो हाथ खड़े कर देते, इधर उधर की गलियों में निकल के नहीं अपना पल्ला झाड़ लेते। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो हमारी बहन बेटियों की भी सुरक्षा नहीं कर सकती।